हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है, आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें एक शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है, ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय दो यानी 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना, इस बात के प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब कभी कोई पकड़ा भी जाए तो उसको मुश्किल से मुकदमा दर्ज करना और दर्ज करने के बाद उन 6 में से 4 लोगों को तो अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़वा भी दिया गया। हमारे समय में 43-28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता, 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं, आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं, हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने देखिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, PTI कोर्ट ने रद्द की, एक ही बात के बार बार ये पेपर चेंज किए गए और PTI में तो पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर PTI के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, हम डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि 3-3 बार प्रक्रिया बदली गई, 25 नंबर का इंटरव्यू और 27 नंबर इंटरव्यू में दिए गए और बाद में तो जब लगा कि उसके हिसाब से भी नहीं आए तो बाद में जो पेपर है उसको, जो दिया गया पेपर उसको रद्द करके केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसलिए हम अपने दम पर ये मेरिट के ऊपर करेंगे और ये मिशन मेरिट ये जारी रहेगा।